हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे यार। और मैं आशा करता हूँ गाइस कि आपकी फैमिली बहुत मज़े में होगी यार। तो सबसे पहले गाइस मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। माई सेल्फ सौरभ लोधी, आई फ्रॉम सीहोर, आई एम अ स्टूडेंट। यस गाइस, मैं डेफिनेटली यही सोच रहा हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार इस भाई को भी यूट्यूब पर देखा नहीं यार, तो ये भाई नया कौन है यार? जी भाई, आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ गाइस। तो गाइस मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो अदर बंदों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि यार भाई एक मेरा फोटो एडिटिंग कर दे यार, मैं तुझे 150 रुपये दूंगा यार। भाई मैं नहीं कर रहा तेरा फोटो एडिटिंग यार, और बंदे मुझे 300 रुपये देते हैं यार, तू मुझे 150 रुपये देकर चल जाता है। भाई मैं नहीं कर रहा तेरा फोटो एडिटिंग, जा यहाँ से यार। भाई आपको इस टाइप से नहीं करना है भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको दूसरों से हेल्प नहीं मांगनी है, वो भी फोटो एडिटिंग को लेकर, क्योंकि आपने रॉयल बडी चैनल को भाई सब्सक्राइब किया है, तो आपको इस टाइप की जो गलती आप कर रहे थे गाइस, उस टाइप की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा हमको सिखा रहा है, दर्द नहीं जो करना करने ना भाई, लेकिन आपको इस टाइप की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है गाइस? तो अगर आप चाहते हो फोटो एडिटिंग करना या फिर फोटो एडिटिंग सीखना, तो गाइस वो भी आपको मैं 5 मिनट के अंदर सिखा सकता हूँ गाइस। क्या बोला तूने? ओ भाई ये क्या है गाइस? तो मैं सबसे पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गाइस, आप वहाँ से भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि आपके सपोर्ट की भाई बहुत ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आई मैं जीरो हूँ गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट जब तक मुझे नहीं मिलेगा गाइस, तब तक मैं चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाऊँगा। जी गाइस मैं क्लियर ही बोलता हूँ गाइस, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है यार, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता थी। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो गाइस मुझे यहाँ से करता हूँ मैं कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करोगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे गाइस, इससे आपकी भाई की हेल्प हो सके गाइस। 5 सेकंड के अंदर आप सीख जाओगे। क्या बोला तूने? झूठ बोल रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। यस डेफिनेटली 5 सेकंड के अंदर आप फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना सीख जाओगे। फोटो के बैनर को आप बनाना चाहते हो गाइस, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको बैक कैमरे से खींचे हुए सिर्फ 2 फोटो, या फिर 2 के अलावा 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो गाइस। और अगर आप चाहते हो कि यार मेरी फ्रेंड का मुझे फोटो ज्वाइन करना है मेरी बैनर में, या फिर आप चाहते हो यार मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो मुझे ज्वाइन करवाना है यार, या फिर आप चाहते हो गाइस मेरी फैमिली के किसी मेंबर का फोटो मेरे बैनर में जुड़ना चाहिए गाइस, तो आप उनका फोटो ले सकते हो। लेकिन उसकी सिर्फ भाई आपको बैक कैमरे से खींचा हुआ फोटो लेना चाहिए, ठीक है? उसका सबकी फ़ोटो आपको बैक कैमरे से लेना होगा। देन उसके बाद आपको एक चाहिए होगा स्मार्टफोन, जो कि आपके पास डेफिनेटली होगा मैं आशा करता हूँ गाइस, क्योंकि आजकल आज सबके पास स्मार्टफोन होता ही होता है गाइस, ठीक है? तो आपको सिर्फ 2 चीज़ आपके पास हो गई गाइस, उसके लिए आपको उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर आपको चाहिए तो सिर्फ भाई आपके भाई की हेल्प, वो आपको मैं फ्री में दूंगा गाइस। उसके लिए आपको सिर्फ मई मेरे चैनल को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे गाइस, इससे आपकी भाई की हेल्प हो सके गाइस। तो सबसे पहले आपका मैं टाइम वेस्ट ना करते हो गाइस, चलते हैं अपनी होम स्क्रीन की तरफ। आ चुके हैं हम अपनी होम स्क्रीन की तरफ गाइस। जैसे मैंने आपको बताने वाला था कि फ़ोटो और बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं, बैनर कैसे बनाए जाते हैं, फ़ोटो को एडिट कैसे किया जाता है गाइस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। लेकिन गाइस मुझे पता लगा था कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आपको तीनों चीज़ सिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए फ़ोटो भी सिखा दूँ और फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं वो सिखा दूँ, प्लस फोटो से बैनर कैसे बनाया जाता है वो सिखा दूँ, तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया है इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आप फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देन उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो उस वीडियो में आपको बता दूँगा कि फ़ोटो को एडिट कैसे किया जाता है, उसकी जो PNG वगैरह रहती है गाइस, उसकी जो बैकग्राउंड रहते हैं भाई, वो कहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको कहाँ से मिलेंगे वो, और कौन से ऐप से आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और देन लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि फ़ोटो से बैनर कैसे बनाए जाते हैं। बैनर कोई भी हो सकते हैं गाइस, जैसे पार्टी के हो सकते हैं, बर्थडे के हो सकते हैं, आप 4-5 लोगों को फ़ोटो को लेके गाइस बढ़िया से ही एक बैनर बना सकते हो, तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो गाइस आप चाहो तो। तो आपका टाइम वेस्ट ना करती हूँ गाइस, चलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में मैं कि फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कैसे किया जाता है कोई 1 क्लिक में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको चले जाना होगा अपने गूगल में, क्योंकि मैं चले जाता हूँ। उसके बाद आपको टच करना होगा गाइस सर्च में, सर्च में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा फ़ोटो रिमूव। ये लिखने के बाद आपको सर्च कर देना होगा गाइस। सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा गाइस remove.ai। गाइस ये AI तो बहुत बढ़िया, आप समझ सकते हो AI बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल।
तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है भाई चूज अ फोटो, एक फोटो को चॉइस करें। तो भाई इसके बाद मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं सपोज यही फोटो ले लेता हूँ भाई। ये मैंने डन कर दिया, अपलोड हो रहा है, टाइम लगता है थोड़ा सा, वेट करते हैं थोड़ा सा, लोडिंग हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए लोडिंग होने देते हैं इसको। तो आइज देखिए ये मेरा रियल फोटो था, लेकिन उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा था। ये बैकग्राउंड कितना स्मूथ तरीके से यार, ना भी कुछ भी मतलब मिस्टेक नहीं आई है सच में। बहुत बढ़िया वेबसाइट है यार ये, विश्वास करिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, एक बार ट्राई जरूर करना यार। तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यार मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं से एडिट कर लूँ कैसा रहेगा। तो एडिट करने के लिए सबसे पहले इसको आपको एडिटर टूल्स पे ये लिखा होगा यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने का थोड़ा सा वेट लगेगा, उसके बाद आपको नीचे जाना होगा। यहाँ पे लिखा होगा देखिए बैकग्राउंड लिखा है यहाँ पे, तो बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे जाना होगा, आगे जाके आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है, सपोज़ मैं मान लीजिए मैं यही बैकग्राउंड ले लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, ये मेरा बैकग्राउंड आ चुका है। अब मेरा फोटो बहुत छोटा है और बैकग्राउंड बड़ा है, तो मैं फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ, इसको आगे लेके आता हूँ, इसके यहाँ पे क्लिक करके मैं फ़ोटो को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ फिर से क्लिक करता हूँ मैं, सॉरी। तो ये मैंने फ़ोटो को रिमूव बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद देख सकते हो कितना मतलब लग ही नहीं रहा गया उसमें, मतलब 2 सेकंड के अंदर ये फ़ोटो एडिट हो सकता है। अब भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दूंगा कि इसमें क्वालिटी वगैरह कैसे डालते हैं, ये स्मूथ नहीं है, देखिएगा इस फेस मेरा स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ कहाँ से करेंगे, इसमें जो PNG वगैरह लिखी जाती है वो कहाँ से ले सकते हैं आप, या फिर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा गाइस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना गाइस, और आपके किसी एक फ्रेंड के पास ये वीडियो शेयर कर देना, इससे उनकी भी हेल्प हो सके गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।